ये जो मैं मनमाना कर रहा हूँ, मनमाना खा रहा हूँ, आखिर ये मुझसे करवा कौन रहा है? ये मन ही मुझसे करवा रहा है या मैं मन से करवा रहा हूँ? ये बहुत सोचने का विषय है। अक्सर हम इसी उलझन में अपने आप में उलझे रहते हैं। ये मैं जो मनमाना कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, संबंध बना रहा हूँ, जो मन आ रहा है, मन मुखी होके जो मैं करता जा रहा हूँ, भोगों की दलदल में फंसता जा रहा हूँ, ये पाप की गलियों में भटकता जा रहा हूँ, ये कौन ले जा रहा है मुझे? मन लेके जा रहा है या मैं मन को लेके जा रहा हूँ? जी हाँ, इसी उधेड़ बुन में रहते हैं। लास्ट में क्या कहते हैं, अरे यार ये सारा क्लेश मन का है, मन ने करवा दिया जो मैंने पी ली, मन ने करवा दिया जो मैंने खा ली, मन में पता नहीं ऐसे गुस्सा आया कि मैंने उसको अपशब्द बोल दिए, सारा हम मन पे थोपते हैं। तो आइए, इन बातों में कितनी सच्चाई है कि मन हमसे पाप करवा रहा है या हम मन से पाप करा रहे हैं, हम मन के अधीन है या मन हमारे अधीन है। तो मित्रों, ये भी वीडियो और वीडियो की तरह भक्ति मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उम्मीद करता हूं दास की इस वीडियो का जब आप ध्यान से सुन लेंगे और अंत तक देखकर समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आखिर दोषी कौन है, मैं या मन। तो मित्रों, अंत में इसे महत्वपूर्ण सवाल को, क्योंकि ये सवाल भी है और इसमें दास द्वारा जवाब दिया जा रहा है गुरु गोविंद की, संतों की आशीर्वाद की कृपा से, तो अंत में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं एक सुंदर भाव जरूर सुनाता हूं। पहले दो लाइन तो भाव की सुनाऊंगा हरि की, फिर आगे की बात करूंगा, तो अंत में याद करके शेयर कर दीजिएगा। होके राम जी की कश्ती में सवार, हो के राम जी की कश्ती में सवार, मैं रम गया भक्ति में, हरि की भक्ति में, मैं रम गया भक्ति में, हरि की भक्ति में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, मैं दास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। इससे पहले कि ये वीडियो मैं आगे खींच के जाऊं, अपने मन के भाव आपके समक्ष रखूं, जो भी भक्ति मार्ग में इस दास मस्त दीपक बिंदास दीपक को सुन रहा है, अभी से इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन टिंग टॉन्ग दबा दीजिए, ताकि भक्ति मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग पे दास द्वारा सारी बातें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप भक्ति मार्ग पे चकाचक मेरी तरह अपडेट रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं कि मन के अधीन हमें या मन हमारे अधीन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे बताते हैं बड़ी खुशी हो रही है, ऐसे आप सबके बहुत सवाल आते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि बिना गुरु के भी माला कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग करो, वो माला ही गुरु से तुम्हें मिलवाएगी, क्योंकि माला ही साक्षात भगवान का रूप है। और याद रहिएगा, आपका एक सवाल है कि गुरु की फिर पहचान कैसे होगी, मिलेंगे कैसे, उसका वीडियो मैं अगला बनाऊंगा। बहुत ऐसे सवाल मेरे पास आते हैं जो गुरु गोविंद की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से दास आप सबके समक्ष रखता है। तो बात करते हैं कि मन, जी हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, मन के हम अधीन है, मन हमारे अधीन है। मन को बिगाड़ा किसने, क्या मन हमें बिगाड़ रहा है? चलो पूरे दिमाग खोलकर, कान से, कान को बुद्धि के साथ खोलकर दास की बात सुनिएगा। इतना समझ लो, अगर हम आज मन के अधीन होकर पाप कर रहे हैं तो मन को बर्बाद करने में हमारा हाथ है। आप कहोगे, आपने तो बिल्कुल उल्टी बात बोल दी कि मन को हमने कैसे बर्बाद कर दिया। जी मन तो अंदर है, हम तो बाहर है, हम तो सुनते आए कि अंदर मन होता है और मन हमसे सारे काम करवाता है, जुआ, शराब, मांस, मदिरा, पाप, पुण्य, नजायज संबंध, दुनिया के जितने भी काम होते हैं मन माना जो हम आचरण कर रहे हैं, जो हमें पाप ही दे रहे हैं। याद रहे, संसार में जो भी कर्म कर रहे हैं अधिकतर में उसमें पाप ही प्रकट होते हैं, क्योंकि पाप से पाप की उत्पत्ति होती है, पुण्य से पुण्य की होती है। लेकिन पुण्य का भी अगर गलत इस्तेमाल कर लोगे बुद्धिहीनता के कारण, तो फिर उससे पाप की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आपने जो किया है मन माना किसके अधीन होके किया है, मन के, लेकिन मन को बर्बाद किया आपने। चलो इसको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में प्यारा सा एक छोटा सा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, आपके घर में छोटा सा प्यारा बच्चा है, आप उसको जो जो चीज होती मन से, गोली, टॉफी, चॉकलेट, खिलौने लाके देते हैं, बच्चा हल्का सा भी रोता है तो आप उसको चुप कराते, लाड करते हैं, मोबाइल तक दे देते हैं, भाई तू चुप हो जा। इस तरह से धीरे धीरे करके आपको बच्चे के अंदर अपनी प्रीति पूरी लग जाती है। आप जो जो बच्चे से करवा रहे हैं, बच्चा कर रहा है, आप बचपन में उसे अंडे खिला रहे हैं, आप बचपन में उसे नॉनवेज खिला रहे हैं, बच्चे को उसकी आदत पड़ रही है। ये मन को मैंने बच्चा बताया आपको। इसी तरह जब बच्चे को आदत पड़ जाती तो वो बच्चा समझ जाता है कि मेरे माता पिता, जो कि उन्हें नहीं पता, फिर भी कहता है ये इंसान मेरे अधीन है,
मैं जो चाहे करवाऊंगा, मैं रोऊंगा भी तो मैं अपनी जिद पूरी करवाऊंगा। अंत में क्या होता है, वक्त से पहले वो बच्चा, मन रूपी बच्चा बड़ा हो जाता है और आपसे मन माना करवाता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ आई कि जब वो बच्चा जिद्दी हो जाता है तो वक्त से पहले वो आपका बाप बन जाता है। फिर जो ऐसा बच्चा चाहता है वो पैर पटके आपको उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। जैसा कि आजकल के मैंने घरों में देखा है, अरे बच्चा रोया नहीं, मोबाइल दे दिया, ले खेल ले, कार्टून देख ले, क्योंकि बच्चा मनमुखी है, आपने आपके भीतर से प्रकट हुआ है, आपने उसकी इच्छा पूर्ण करनी, क्योंकि आपकी प्रीत लग गई है। जिस तरह से बच्चे से प्रीत लग गई, आप उसका मन माना कर रहे हो, उसके मनमुखी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो, ठीक उसी प्रकार से आपने इस मन को हर भोगों से ग्रस्त किया है। अनंत जन्मों से हमने इस भोगों को ग्रस्त किया। छोटा सा एक उदाहरण और देता हूं, आप में से इस तरह समझो, जिसने कभी शराब नहीं पी, जिसने कभी शराब नहीं की, चाहे स्त्री हो पुरुष, आजकल तो सभी बराबर पी रही है, ठीक है, तो सोचो आप संगत में बैठ रहे हैं लेकिन आपने कभी शराब नहीं पी, किसी के कहने पर दो चार दिन आप किसी का डिस्को चले गए, एक पैक मार लिया, दो पैक मार लिया, या किसी किट्टी के अंदर या घर के अंदर गेट टूगेदर में आपने एक दो पैक मारे, आप जब भी पैक मारते हो ना आपका मूड कैसे रहता है, इसका मतलब क्या होता है, आपकी इंद्रियां लेना नहीं चाहती लेकिन आप उसे जबरदस्ती ले जा रहे हो। ध्यान रखना, जो कितना बड़ा शराबी भी होगा ना, एक बार मन करता हूं, हालांकि जो शराबी जो आदि हो गया, मन के अधीन हो गया, वही मैं बता रहा हूं, तो आप क्या करते हो, वो एक दो पैक पीते हो, मुंह टेढ़ा करते हो, इंद्रियां नहीं लेना चाहती लेकिन आपने मन में, आपके मन को उसकी आपने आदत डलवा दी, आज दो पैक तो कल दो के चार पैक हो जाएंगे, धीरे धीरे आप खुद आदि हो जाओगे कि आपको रोज शाम को 6 बजे एक क्वार्टर चाहिए। या समझ लो आप नॉनवेज नहीं खाते रहे, संगत में बैठ के आपने नॉनवेज बेजुबान को खाना शुरू करा, पहले आपको गंदा लगा, उल्टी सी आई, मन मचलाया, बाद में आप उस के आदी हो गए। अब शाम होते ही मन आपसे क्या कहता है, पीनी है। जिसे सिगरेट की लत लग गई, मन क्या कहता है, पीनी है। सिगरेट में शुरू शुरू में क्या करते हैं, धुआं निकलता, वो धुआं तो निकलता मतलब खांसी होती है, लेकिन आपने मन को उस इन रोगों का, इन भोगों से ग्रस्त कर दिया, आपने मन की प्रवृत्ति बिगाड़ी है, प्राय धन में, प्राय स्त्री में, भोग वासना में, संसार के सारी भोग में आपने मन को लगाया है। मन नहीं था, मन तो चाहता था कि मन में तो सिर्फ परमात्मा का वास है, कि जीवन हमें हरि कीर्तन हरि सत्संग के लिए मिला है, लेकिन हम मनमुखी होकर, बुद्धिहीन होकर, संसार को भौतिक वस्तु देकर हमारा मन विचलित होने लगा, हम आकर्षण के अंदर टूटने लगे, खोने लगे। ये जितने भी सुंदरता है ना संसार में, आकर्षण है, और यही हमारे पतन का कारण है। जितनी भी सुंदर वस्तु है, जितनी भी सुंदरता है, ये एक छल है जिसके अंदर हम फंस जाते हैं और फिर हमारा बेड़ा गर्क होता है। संसार का आकर्षण हमें नरक में ले जाता है, और भक्ति का आकर्षण, प्रभु के प्रेम का आकर्षण, वो हमें भव सागर पार ले जाता है। देखिए संसार का आकर्षण क्या ले जाता है, नरक में, भोगों में, 84 लाख योनियों में, और भक्ति का, प्रभु का भी आकर्षण। देखो कृष्ण का मतलब क्या है, कृष्ण मतलब जो बड़े से बड़े विरक्त संत योगी का अपनी ओर आकर्षित कर ले, कृष्ण मतलब कृष्णा जो मिटा दे सारी तृष्णा, मतलब भगवान श्री कृष्ण में ही इतनी बात है कि श्री कृष्ण के सम्मुख आते सारी तृष्णा, मतलब संसार की तृष्णा, भोग वासना खत्म हो जाती है, और कृष्णा मतलब इतना उनके अंदर आकर्षण है कि बड़े से बड़े योगी सिद्ध को भी वो अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे प्रेमानंद बाबा का सुनते हो ना, महादेव के भक्त थे, तो जैसे वृंदावन पहुंचे, राधा वल्लभ जी को देखा और देखते ही रह गए, तो कृष्णा ने मिटा दी संसार की तृष्णा और डूब गए वो राधा वल्लभ जी में, अपने गोविंद में। और यही बात है, हरि हरि से बढ़कर संसार में कोई सुंदर नहीं है, और जितना आकर्षित हमारे आकर्षण हमारे गोविंद में किसी में नहीं है। तो आप ये समझ लो, संसार का आकर्षण हमें नरक में, भोगों में ले आता है और हमें बर्बाद कर देता है। तो मित्रों आप इतनी बात समझ गए होंगे कि मन रूपी बच्चे को हमने बर्बाद किया, आज ये बच्चा जो जिद करता है, हमसे अनैतिक काम कराता है, ये सब हमारा ही बिगाड़ा हुआ है। इसलिए आप इस मन को अब शुद्ध नहीं कर सकते, इसको शुद्ध करने का एक ही माध्यम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम जी की भक्ति में, हरि नाम की भक्ति में अपने आप को रमा लो, बेमन से रमा लो। जैसे आप बेमन से पहले शराब पी लेते ना, नहीं पी जा रही, अरे नहीं, बाद में आदत हो गई, अब मन नहीं है, हम भक्ति करें, लेकिन बेमन से अब नाम जप करो, कुछ नहीं, इतना बड़ा महामंत्र नहीं पढ़ सकते, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ये जपते रहो। मैं देखो हर वीडियो के अंदर एक ही बात बोलूंगा, सारे वेद पुराण का शास्त्र है,
हरि शरणागति। इसलिए बोलूंगा ये मन रूपी पागल, जो मन को आपने पागल घोड़े की तरह बिगा लगाम के छोड़ दिया, तो एक हरि नाम की लगाम से ही ये आपके कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि मन पे और मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हरि का वास है। हमने आप वेद पुराणों में पढ़ा है, अक्सर भगवत गीता में लिखा है कि आत्मरूप है प्रभु हमारे, कहते ना इसे क्या कहते हैं मन। मन जो होता है बड़ा वावरा होता है, हमने बिगाड़ दिया, हमने से बिगाड़ दिया, ये मनी राम को हमने बिगाड़ा है, क्योंकि अंदर भगवान है आज भी है, लेकिन भोगों की परत चढ़ा के हम उसे देख नहीं पा रहे, प्रभु हमारे अंदर है। इसलिए ये मंत्र का जाप आपके सारे भोगों का नाश करेगा, क्योंकि मंत्र ही है ये हरि नाम जो आपके पाप रूपी वायरस का नाश कर सकता है। छोटी सी बात इतना समझ लीजिए, जैसे मोबाइल के अंदर होता है ना अपडेट का, कि मोबाइल की फाइल बढ़ जाती है, क्लीन मोबाइल का आता है, तो आप क्लीन मोबाइल दबाते हो तो क्लीन होता है, वैसे ही हरि नाम का अंदर एंटीवायरस जाएगा तो भोग रूपी वायरस का नाश हो जाएगा। इसलिए मन को अगर आपने बिगाड़ा है तो सुधारने का मंत्र मैं दे रहा हूं, हरि शरणागति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का निरंतर जाप करो, चाहे बेमन से करो। आपको लग रहा बेमन से कर रहा हूं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, हो रहा है। संसार में अगर किसी का रिश्ता बेमन से निभाओ ना, तो वो बंदा समझ जाता है जबरदस्ती इसका साथ निभा रहा है, मियां बीवी में अगर जबरदस्ती के साथ है नहीं निभ रहा तलाक ले लो, दोस्ती में भाईपंती में भाई जबरदस्ती नहीं रखना। संसार में जबरदस्ती से भी रिश्ते खत्म होते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु का नाम जबरदस्ती लोगे, मन मार के भी जपोगे, नहीं मन कर रहा तब भी जपोगे, तब भी प्रभु पता है ये बेमन से कर रहा है, लेकिन प्रभु कर रहा है जब तो मेरा ही नाम रहे ना, तो अपने आप तुम्हारे पापों का नाश होगा। मन जो अंतःकरण है, अपने आप चित क्लीन होना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि मन को हमने बिगाड़ा, अब ये बिगड़ा हुआ मन हमसे भोगों में ले जा रहा है, हमसे पाप करवा रहा है। इससे पहले कि हमारा और बिगड़ा कर को जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो, वरना ये कलयुग हमसे ना जाने क्या क्या पाप करवा बैठे, भोगों की गलियों में ले जाकर हमें 84 लाख योनियों में गिरा बैठे। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी बताते बड़े हर्षल हो रहा है कि मेरे द्वारा प्रभु ने आप तक एक अच्छी बात पहुंचाई। तो अब इस वीडियो को यहीं विराम करता हूं, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं ये वीडियो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ताकि सबको अच्छी बातें मिले और जिसके मन में सवाल हो उसको उसका समाधान भी मिले। मैंने अपनी बात तरसंगत रखी, आप अपनाओ तो धन्यवाद, ना अपनाओ तो धन्यवाद। दास एक सनातनी दास, एक गोविंद का दास सदा आपका हित चाहता है, इसलिए मैंने प्रभु से प्रेरित होकर, प्रभु ने मेरे अंदर प्रेरणा दी, मैंने वीडियो आपके सामने बना के अपनी बात तर्क के साथ रखी, उम्मीद करता हूं आप शेयर करेंगे। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए, और हाँ कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कैसा लगा और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास कर राधे, राधे श्याम सीताराम, शेयर जरूर कर देना।